तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का। मैंने आपको सभी को बोला था कि मैं मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा, तो आज मैं मुझे टाइम मिला तब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉडल पेपर आप सभी को सब सब्जेक्ट 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा। पहला मॉडल पेपर में हमने हिंदी का लिया है, तो आप देख लीजिए इस हिंदी के मॉडल पेपर में क्या क्या है। इसका डाउनलोड आपको करना है, इसकी PDF तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो हर साल पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है, तो 80 मार्क्स का ही अब की बार भी होगा, जिसका समय 3.25 घंटे का होता है, तो 3.25 घंटे का अब की बार भी समय यही होगा। तो काफ़ी अच्छा पेपर दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, तो आप देख सकते हैं ये सामान्य निर्देश हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। मैं आपको ये टेबल समझा देता हूँ, टेबल में क्या बता रहा है ये कि खंड अ यानी कि ABCDE अ ब स द य। खंड अ में दिया हुआ है एक फर्स्ट, फिर है रोमन संख्या में फर्स्ट और टेंथ, यानी कि ये पहला पर्सन है जिसमें 1 से 10 तक के क्वेश्चंस एक एक नंबर के। इसमें दूसरा पार्ट दूसरे में वापस 2 से 11 पर्सन है वो एक एक अंक के, मतलब कि 1 से 11 पर्सन है वो एक एक अंक, मतलब प्रत्येक पर्सन का अंक एक है और टोटल अंक 12 है वो 20 अंक है। और ब खंड है 12 से 19 अंक है जिसका प्रत्येक पर्सन का नंबर 2 अंक है, और 12 से 19 पर्सन है और टोटल अंक 8 पर्सन होंगे और टोटल अंक 16। स में है 20 से 23 यानी कि 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 अंक का प्रत्येक पर्सन 4 अंक का और टोटल अंक 16। खंड द में है 24 और 25 यानी कि 2 पर्सन है जिसका प्रत्येक पर्सन का अंक 5 अंक है और टोटल अंक 10 यानी प्रत्येक का अंक 5। फिर खंड य में बड़े लास्ट खंड है 26 और 28 यानी कि 26, 27, 28 3 पर्सन है और प्रत्येक पर्सन का अंक है वो 6 अंक का है और टोटल अंक 18 है। तो समझ गए होंगे आप ये। अब आपको मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मॉडल पेपर, 3.25 घंटे का पेपर। यहाँ पर देखिए समास दिए हुआ है, समास में आपके 3 क्वेश्चन समास के आएंगे, जैसे कि 4 क्वेश्चन है वो समास के आएंगे। फिर यहाँ पर वर्तनी और शुद्ध शब्द कीजिए, मतलब कि समास को यहीं पे समेट दिया है, 3-4 क्वेश्चन समास 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन यहीं पर दे दिया है बस अदम है, मतलब कि आधी व्याकरण है वो यहीं दे दी है बोर्ड ने यहाँ पर। फिर पाठ्यपुस्तक से पर्सन है रामधारी सिंह दिनकर, फिर ये एक पंक्ति में उत्तर देना पड़ता है इनको, एक पंक्ति में उत्तर दें। सूरदास के एक प्राणीकरण काव्य ग्रंथ ये है पर्सन, एक एक नंबर के पर्सन है, 7 पर्सन है, 2 से 11 तक। और रिक्तस्थान काफ़ी सिंपल पेपर है, अरे ऐसा पेपर हमारे आया होता तो हम बहुत नंबर ला लेते। आपको नंबर लाने का अच्छा अवसर मिला है, आप मैं कहता हूँ आप स्टडी करते रहिए और आपका ये अवसर कभी नहीं मिलेगा। आपको ये इस अवसर मिला है बोर्ड में नंबर लाने का, आप ऐसे नंबर लाइए, बोर्ड के नंबर ला सकते हैं आप, 90+ नंबर ला सकते हैं, इसलिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो ये व्याख्या भी आती है जिसमें ध्यानपूर्ण व्याख्या नहीं है, पद्यांश से पद्यांश को हल करके आपको उत्तर देना पड़ता है, पद्यांश भी अंक का है। और 4 अंक के ये बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें पाठ्यपुस्तक से एक पद्य भाग से और एक गद्य भाग से आता है, इसमें ये भी आता है। और भारतचंद्र हरिचंद्र साहित्यकार जीवन परिचय लिखना पड़ता है। और 5 अंक की ये पत्र लेखन आता है और 6 अंक का निबंध आता है, तो निबंध भी 6 अंक का बड़ा 300 वर्ड में लिखना पड़ता है, 300 वर्ड में आपको निबंध लिखना पड़ता है। यहाँ पर सप्रसंग इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, गद्य गद्यांश की और पद्यांश की दोनों की व्याख्या आएगी आपके, तो आपको व्याख्या है। आपका यही अवसर है, आप इस वक्त ऐसा अवसर आप नहीं गुमा सकते। मैं कहता हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो अब से शुरू कर दें, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बोर्ड ने ऐसा पेपर कभी, बोर्ड ऐसा पेपर नहीं देता है, सिंपल पेपर, काफ़ी सिंपल पेपर है, तो आप अपनी तैयारी है वो अच्छी तरह से रखें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसका आंसर कॉपी भी लेके आऊँगा, इसकी आंसर भी लेके आऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की सारी अपडेट मिलती रहती है। तो आप है इस पूरे को देख सकते हैं और इसे डाउनलोड करना चाहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं 12वीं और 10वीं के सभी सब्जेक्ट साइंस मैथ संस्कृत हिंदी इंग्लिश वगैरह सबके लेकर आऊँगा, तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऐसी सारी अपडेट जानने के लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।